गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग, नमस्कार। बच्चों आज हम लोग क्लास स्टार्ट करना है मिक्सचर का पार्ट 5। सभी प्यारे बच्चों से हम कहेंगे लाइव आइए, क्लास स्टार्ट आपकी होने जा रही है। सभी प्यारे बच्चों से कहेंगे कि लाइव आइए प्यारे बच्चों। बच्चों हम लोग क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक बार बच्चों कमेंट करके बताएंगे, एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइए बच्चों कि आवाज़ ठीक आ रही है, क्या आवाज़ में कोई इशू है। सभी प्यारे बच्चों से हम कहेंगे एक बार ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आवाज़ ठीक आ रही है। चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं बच्चों आज की क्लास में। शुरुआत की जा रही है, देखिए बच्चों कल इस पे सवाल हम लोगों ने चर्चा स्टार्ट की थी कि एक कंटेनर दो तरल है ए और बी, 7:5 के अनुपात में है, 9 लीटर मिक्सचर निकाला, 9 लीटर बी से बदल दिया, दोनों तरह के पदार्थों का अनुपात 7:9 हो जाता है, आरंभ में कितना इस मिक्सचर में ए की मात्रा कितनी है। बच्चों यहीं पे हम लोगों ने सवाल की शुरुआत की थी और यहीं से हमें आगे बढ़ना है बच्चों यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा क्लास, आज लगता है कि कैमरे का जो सेटिंग है वो सही से है कि नहीं, एक बार ज़रूर कमेंट करके बताएं बच्चों क्या कैमरे की सेटिंग आप लोगों को सही हो रही है। सभी प्यारे बच्चों से हम कहेंगे कैमरे की सेटिंग, एक मिनट हम जरा देख लेते हैं कैमरे की सेटिंग, एक मिनट इसको हम थोड़ा सा कर लें और ये आगे कर लिया, थोड़ा सा इसको ठीक है, आप सेटिंग ठीक है वैसे, अब ठीक है, ठीक अब हिल गया, ये तो हिल गया, ठीक अब ठीक है। ठीक है अब ठीक लग रहा है, देखते हैं बच्चों, चार्जर उठा दो वहाँ से, लैपटॉप का चार्जर देखिए। तो हमने बच्चों को कहा था इसके कि सवाल करने के तरीके कई हैं और कई तरीकों में बच्चों एक तरीका आपके पास ये रहेगा, कई तरीकों में एक तरीका ये रहेगा, देख सकते हैं बच्चों क्या तरीका रहता है। बेसिक हमने कल बताया था, एक बार फिर बेसिक बता देते हैं इसको ताकि बच्चों को आज से फिर से रिवाइज हो जाइए, कल से ये है बेसिक बता रहे हैं इसी में हम। तो हम यहाँ पर बच्चों कह सकते हैं कि बर्तन हमारे पास हैं, बर्तन हमारे पास दो हैं, कितने बर्तन हैं दो, तो एक बर्तन ए है, बर्तन ए में मिल्क और वाटर का कितना रेशियो दिया है, यानी ए और बी का ए मिक्सचर, दो कंटेनर में ए और बी मिक्सचर हैं, सॉरी दो कंटेनर हैं, इसमें ए और बी का मिक्सचर जो दिया है वो 7:5। फिर उसने कहा कि 9 लीटर मिक्सचर हमने निकाल लिया बच्चों, तो उसका रेशियो क्या रहेगा ए और बी का, बच्चों रेशियो क्या रहेगा, रेशियो आपका 7:5 ही रहेगा, कितना रहेगा बच्चों 7:5 ही रहेगा, हाँ इसे लगा बस, रेशियो कितना रहेगा ये 7:5 ही रहेगा बच्चों, 7:5। फिर 9 लीटर हमने तरल बी बदला है, बी तो 9 लीटर हमने तरल बी डाल दिया है, 9 लीटर तरल बी डाल दिया है, प्लस का मतलब डाल दिया है, तो अब उसका रेशियो कितना हो गया है, ए और बी का रेशियो कितना हुआ है बच्चों यहाँ पर 7:9, कितना हुआ है बच्चों 7:9।
हमने तरल ए तो डाला नहीं, हमने तरल क्या डाला है, बी डाला है। तो हमने कहा कि यहाँ से के बाद सवाल को ब्रेक कर लें बच्चों, यहाँ से ब्रेक कर लें। तो जब यहाँ से बच्चों ब्रेक कर लेंगे तो हम कह सकते हैं कि ए और बी में दूध ए ए और बी का अनुपात कितना है, 7:5। यहाँ से ब्रेक करके लिख रहे हैं, और हमने केवल बी डाला यहाँ के बाद, केवल बी। जब बी डाला है तो रेशियो कितना हो जाएगा इनका, बताओ रेशियो कितना हो गया, 7:9। कितना हो रहा है ये, 7:9। तो हमने ए नहीं डाला है और ए बराबर भी है, यहाँ भी ए बराबर है और यहाँ पर भी क्या है, ए बराबर है। तो बी 5 से 9 हो गया, कितना बढ़ गया, 4। सवाल में कितना बढ़ रहा है, 9। तो हम बच्चों कह सकते हैं एक बराबर कितना आएगा, 9/4। एक बराबर कितना आएगा, 9/4। अगर एक बराबर 9/4 आ गया तो बच्चों कह सकते हैं कि इस वाले बर्तन की मात्रा किस अनुपात में है, 7 और 5 12। तो बच्चों 12 × 9/4 ये कितना आ जाएगा बच्चों, 27। 27 लीटर मिक्सचर इस वाले बर्तन में है, 9 निकालने के बाद 27 बना था बच्चों, तो इस वाले बर्तन में कितना रहा होगा, 36। क्योंकि 27 में हम कितना ऐड कर देंगे, 9 ऐड कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब उस 36 में आपसे कह रहा मिक्सचर ए की मात्रा बतानी है, 36 लीटर जो है वो ए और बी आया है, तो 7 और 5 12। 12 बराबर कितना आ जाएगा, ये दोनों का सम 12 आ गया, 12 टोटल किसके बराबर है, 36। 1 बराबर कितना आ जाएगा, 3। 7 बराबर कितना आ जाएगा, 21। 5 बराबर कितना आ जाएगा, 15। यानी मिक्सचर ए की मात्रा 21 लीटर आ जाएगी बच्चों, कितनी आ जाएगी, 21 लीटर आ जाएगी। मिक्सचर जो ए की मात्रा वो कितनी आ जाएगी बच्चों, 21 लीटर आ जाएगी। बात समझ में आ रही बच्चों, एक बार जरूर कमेंट करके बताइए, हम सभी प्यारे बच्चों से कहेंगे एक बार जरूर कमेंट करके बताइए बच्चों। एक बार सभी प्यारे बच्चों से कहेंगे जरूर एक बार कमेंट करके बताएं, और ताकि आगे बढ़ा जाए बच्चों। नोट हो गया, ये बेसिक तरीका है। कल की क्लास में आखिरी सवाल यही हुआ था, पर आज इसके काफ़ी सवाल होने हैं बच्चों, इसलिए हम आपको इसको सवाल को फिर से बता रहे हैं। आज हमें इसके बैक टू बैक काफ़ी सवाल करेंगे बच्चों, इसलिए हमने एक बार इसको फिर से बताया है। एक बार किसे फिर से बताया गया है बच्चों ये, ठीक है। आप बच्चों इसके करने के और तरीके देख लीजिए, और भी तरीके देखिए। और तरीका इसका क्या है कि गौर समझना, जिसमें एक बार परिवर्तन होगा, जिसमें केवल एक बार परिवर्तन हो उसको टोटल मान लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे कह सकते हैं कि पहले ए और बी का अनुपात कितना है, 7:5। कितना है, 7:5। 9 लीटर मिक्सचर निकाला, 9 लीटर बी डाला है, अनुपात कितना हो गया है, तो हमने कहा 7:9। तो हमने कहा जिसको, हमने कहा जिसमें एक बार, तो पहले इनको दोनों का सम कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा 12 और ये कितना आ जाएगा हमारा 16। तो जिसमें एक बार परिवर्तन उसी को क्या मानेंगे, टोटल। तो यहाँ पर बच्चों कह सकते हैं कि मिक्सचर ए में केवल एक बार परिवर्तन हुआ है, तो मिक्सचर ए को क्या मान लेंगे हम लोग, टोटल मानेंगे। क्या मानेंगे, टोटल। मिक्सचर क्या मान लेंगे, टोटल। अगर इसको दोनों को लेकिन बराबर भी करना है तो ऊपर किसका गुणा करेंगे बच्चों, 4 का, और नीचे किसका गुणा करेंगे, 3 का। तो ए की मात्रा कितनी हो जाएगी, 28। पहले टोटल है, यही टोटल हो गया, ए ही क्या हो गया है, टोटल हो गया है। पहले 28, अब कितनी हो जाएगी बच्चों, 21। कितनी हो जाएगी, 21। 28 से 21 हो गया, कितनी कम हुई, 7। सवाल में कितनी कम हुई है, 9। कितनी कम हुई है, 9। 7 बराबर 9, तो 28 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 36 आ जाएगा। क्योंकि हमने कहा 7 बराबर 9, तो ये कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। कितने गुना होगा, 4। 28 बराबर कितना आ गया, 36। ये टोटल मिक्सचर आया है। अब इसको दूध और पानी में तोड़ना आएगा 36 को, तो क्या तोड़ देंगे इसमें, यानी ए और बी में, तो ए और बी का अनुपात कितना था, 7:5। तो 7:5 कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 12, और 1 बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 3। तो 7 बराबर कितना आ जाएगा, 21।
तो मिक्सचर ए की जो मात्रा है वो कितनी आ जाएगी, 21 आएगी। क्या यहाँ तक की बात समझ पा रहे हैं बच्चों? हम थोड़ा सा टाइम लेंगे ऐसे सवाल समझने में, ताकि आगे सवाल काफ़ी हैं तो उन सवालों को आसानी से किया जा सके और सीखें हम लोग आसानी से। समझ पा रहे हैं? आगे देखते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, अगला सवाल ये है, एक बर्तन में एसिड और पानी का घोल था, एसिड और पानी का घोल था जिसमें 64% था, जिसमें पानी कितने परसेंट है बच्चों, 64% है। ठीक है, बर्तन में से 4 लीटर घोल निकाल लिया गया, अब उतना ही मात्रा में पानी मिला दिया गया, पानी मिला दिया उतनी मात्रा में। यदि परिणामी घोल में 70% एल्कोहल है, अम्ल कितना है, सॉरी अम्ल एसिड मतलब अम्ल कितना है, 30% है, कितना है 30%। तो बर्तन की शुरुआत में घोल में पानी की मात्रा बतानी है बच्चों, बड़ा गौर से देखना सवाल ये, इत्मीनान से। वही सवाल हम आपसे फिर कह रहे हैं कि सवाल है, अगर ये पहले का जो मिक्सचर था बर्तन में एसिड और पानी, एसिड और पानी का परसेंटेज अपने आप में कितना होगा, 100% में पानी कितना है, 64। अगर हम कहेंगे 100 में 64% पानी है तो 36% क्या रहा होगा, एसिड या अम्ल रहा होगा। तो बच्चों ये कह सकते हैं कि पहले जो एसिड, क्योंकि हमने कहा अगली बार हम क्या मिला रहे हैं, पानी, तो एसिड एक बार परिवर्तन हुआ है, तो बच्चों हम कह सकते हैं कि जो अम्ल है उस अम्ल को क्या मान लेंगे, टोटल, क्या मानेंगे, टोटल। तो बच्चों यहाँ पे हम कह सकते हैं उस अम्ल को क्या मानेंगे बच्चों, टोटल मानेंगे। तो पहले वो कितना था यहाँ पर, 36। अब इन दोनों का अनुपात अगर बना लें बच्चों, इनका अनुपात बनाएं, तो क्या ये दोनों कट सकते हैं किसी से, 4 से काट लो आप, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर पहले लिख दें टोटल अम्ल मानेंगे, बाद में यहाँ पर लिख दें अम्ल और वाटर। तो 36 का जब इनका प्रोपोर्शन से परसेंट कट जाएगा, 4 से कटेगा 9, 4 से अगर काटेंगे 4 एकम 4, बचे कितने, 2, 16। तो यहाँ पर कह सकते हैं बच्चों 9:16 आ गया, कितना आ गया, 9:16। अब उस घोल में कितने परसेंट अम्ल है, 30, यानी 100% में 30% अम्ल है, तो बाकी 70% क्या रहा होगा, वाटर। तो हम कहेंगे 3:7 हो गया, कितना हो गया, 3:7 हो गया। तो बच्चों यहाँ पर हमने कहा है 3:7, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 25, और इनका सम कितना हो जाएगा, 10, पर हमें बराबर भी तो करना होगा। तो हमने कहा किसको टोटल माना है, अम्ल को, तो इसमें किसका गुणा करेंगे, 2 का, और इसमें किसका गुणा करेंगे बच्चों, 5 का। तो अम्ल को ही टोटल मान लिया, अम्ल को क्या मान लिया हमने, टोटल माना है। तो वाटर में क्यों गुणा करें, ये भी तो रहेगा, तो हम कह सकते हैं 2 का गुणा किया तो यहाँ पे टोटल पहले अम्ल कितना था, 18, इसमें 5 का गुणा किया कितना हो गया बच्चों, ये 15, कितना हो गया, 15, 18 से 15 हो गया टोटल, कितना कम हुआ बच्चों, 3। सवाल में कितना निकाल रहे हो आप, 4, तो हम कहेंगे 3 बराबर 4 लीटर के, तो 1 बराबर कितना आएगा, 4/3, कितना आएगा, 4/3, टोटल है कितना, 18, तो 18 × 4/3 अगर कर लें बच्चों तो ये कितना आ जाएगा, 6, तो टोटल यहाँ पर हम कहेंगे टोटल मिक्सचर वहाँ पे कितना था, 6 लीटर, कितना था बच्चों, 6 लीटर। अब 6 लीटर जो मिक्सचर था उसको अभी बताना क्या है, पानी की मात्रा, चौबीस, कितना था, 24 लिखा है, बोल 6 रहे यहाँ पर, 24 लीटर मिक्सचर टोटल था। अब 24 लीटर में पहले दूध और पानी का उसने कह दिया यहाँ पर, पानी कितने परसेंट है, पानी 64% है, और दूध कितने परसेंट है आपका, दूध आपका रहेगा कितना यहाँ पर, 36%। और आपसे पानी पूछा है, पानी की मात्रा पूछी है, 24 का 64% निकाल ले, पानी की मात्रा आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं 24 लीटर में 64% पानी है, 64% क्या है, पानी है। अब बच्चों इसका जब गुणा कर लेंगे हम, तो जब इसका गुणा करेंगे 24 × 4, 96, 96 का कितना लिखेंगे, 6, फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर 24 × 6, 144, और 44 और 9 जो कैरी था कितना हो जाएगा, 153, ये 153 आ गया, और दशमलव कितने अंक के बाद लग जाएगा, 2 के बाद, तो हमारा जो आंसर आएगा 15.36, कितना आएगा बच्चों, ये 15.36, हमारा जो ये आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 15.36। क्या यहाँ तक की बात समझ पा रहे हैं बच्चों?
किसी प्रकार की कोई समस्या? आगे बढ़ें। आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। 27 किलोग्राम मिश्र धातु में तांबे से जस्ते का अनुपात 2:1 है। यदि x किलोग्राम मिश्र धातु को जस्ता से प्रतिस्पादित किया जाता है, मतलब उसको बदला जाता है, तो तांबे और जस्ता और तांबे का अनुपात 1:1 हो जाता है। x का मान बताना है। हमने कहा वही सवाल आपको करने है। हमने कहा जस्ता कितनी बार चेंज होगा? 2 बार। तांबा एक ही बार। तांबा को टोटल मानोगे, पर उसके लिए आपको पहले करना क्या पड़ेगा कि हम कहेंगे तांबा, तांबे की बात करेंगे बच्चों, यहां पर तांबे की बात करेंगे और किसकी बात करेंगे? जस्ता। तांबा यहां पे कितना है? 2:1। सम कितना आ जाएगा? 3। बाद में कितना हो जाता है? ये 1:1। सम कितना हो जाएगा? 2। दोनों को इक्वल करना है बच्चों। जब दोनों को इक्वल करना है तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऊपर किसका गुणा कर दें? 2 का, और नीचे किसका गुणा कर दें? 3 का। तो हमने कहा कि तांबा में एक बार परिवर्तन हुआ है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं बच्चों तांबा को क्या मान लेंगे? जो मिक्सचर तांबा को क्या मानेंगे? टोटल मान लेंगे। क्या मान लेंगे? टोटल मानेंगे। अब हमने कहा ऊपर जब 2 का गुणा किया है तो तांबा आप कितना हो जाएगा? टोटल हो गया, वो कितना हो जाएगा? ये 4। कितना हो जाएगा? ये 4। और नीचे किसका गुणा किया? 3 का। तो 4 से 3 हो गया, कितना टोटल कम हुआ है? 1। और सवाल में आपने कह दिया कि x लीटर x किलोग्राम, तो 1 बराबर कितना आ गया? x बराबर कितना आ गया बच्चों? x आ गया, 1 बराबर x है। अब 1 बराबर, और उसने कह दिया 1 बराबर अगर x है, और यहाँ पर उसने अगर ये भी कह दिया कि 1 बराबर x, और यहाँ पर उसने एक बात ये भी बोली है क्या कि टोटल मिक्सचर पहले था कितना? 27। तो गौर से देखना, 27 था, यहाँ टोटल कितना है बच्चों? 4 है। कितना है? 4। 4 बराबर 27 केजी के। कितने केजी के? 27 केजी के। 4 से 3 हुआ है, कितना कम हो रहा है? 1। वही 1 क्या है? x है। वही 1 क्या है? x है। तो यहाँ पर बच्चों कह सकते हैं क्या कि 27/4 1 बराबर आ जाएगा। वही 1 बराबर कितना आएगा? 27/4। जब इसको बच्चों काटोगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 6 बार जाएगा, 24 बचे कितने? 3.75। तो उस x का मान बच्चों कितना आ जाएगा? 6.75 आ जाएगा बच्चों। कितना आएगा? 6.75। सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। मानसी पांडे नमस्ते। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। काफ़ी बच्चे भी लेट आ रहे हैं इसमें, थोड़ा सा ये आपको लगता है कि थोड़ा लेट आते हैं और काफ़ी चीज़ें हद तक छूट जाती हैं। क्या ये सवाल समझ में आया एक बार बताइए? क्योंकि इस सवाल में हमने पहले ही कहा था कुछ बच्चे की पहले थोड़ा टाइम लगेगा, और ये अगर एक बार हम आपको सिखा के जाएंगे आज, जितने बच्चे हमसे जुड़े होंगे सभी प्यारे बच्चों को हम सिखा के ही जाएंगे आज इस ये तरीके, लेकिन आपको हमें टाइम देना पड़ेगा आज। आगे बढ़े बच्चों, आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके नजरों के सामने ये रहा। एक कंटेनर जिसकी क्षमता 80 लीटर, इसमें दूध और पानी का जो अनुपात दिया है वो 3:2 है। मिक्सचर की कितनी मात्रा निकालें और दूध से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए कि अंतिम मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाए? 27:13 हो जाए। कितना हो जाए? 27:13। तो यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों कितनी मात्रा निकालनी है। तो हमने कहा कि कितनी मिक्सचर में कितनी मात्रा दूध और पानी से बदलना चाहिए, यानी जितना निकालना है उतना ही दूध डालना है यहाँ पर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए क्या करना है, गौर से देखिए। हमारे पास टोटल जो है वो कितने लीटर है? 80 लीटर मिक्सचर है, ठीक है। अब इस सवाल में टोटल 80 लीटर मिक्सचर है, और मिक्सचर निकालकर उतना ही हम क्या डाल रहे हैं? दूध। यहाँ पर समझना गौर से, दूध 2 बार परिवर्तन हो रहा है। तो हम पहले ये आप छोड़कर आप ऐसे करिए, पहले
कि दूध में दो बार परिवर्तन, पानी में एक बार परिवर्तन। पानी में कितना? एक बार। तो हम कहेंगे पहले मिल्क और वाटर का कितना रेशियो है बच्चों? 3:2 है। सम कितना हो जाएगा ये? 5। जितना मिक्सचर निकाला उतना ही पानी डाला है, तो रेशियो कितना हो गया ये? 27:13। तो बच्चों सम कितना हो जाएगा ये? 40। तो हमने कहा इसको भी 40 बनाना है, तो इसमें किसका गुणा करेंगे? 8 का। तो हमने कहा जिसमें एक बार परिवर्तन उसी को मानेंगे टोटल। तो इस बार दूध में दो बार परिवर्तन, पानी में एक बार परिवर्तन, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं पानी को हम क्या मान लेंगे बच्चों? टोटल मानेंगे। क्या मानेंगे? टोटल मानेंगे पानी को, टोटल। ठीक है, लेकिन उसके लिए अनुपात बराबर तो पानी का लेना है। अगर इसमें 8 का गुणा कर दिया तो पहले पानी कितना था? 16। देख लें पूरे में क्यों करें, हम जिसको टोटल उसी की बात कर लें। 16 होता पानी, अब पानी कितना हो गया बच्चों? 13 हो गया। कितना हो गया? 13। 16 से 13 हो गया, कितना कम हुआ है बच्चों? 3 कम हुआ है। कितना कम हुआ है? 3। आरंभ में जो मेरी मात्रा है वो कितनी है बच्चों? सवाल कितनी है? 16। अनुपात में कितनी है? 16। और कितनी दी है? 80। तो 16 बराबर कितने लीटर आ जाएगा बच्चों? 80। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा बताइए? 5। कितना आएगा? 5। तो 3 कम हुआ है, 16 से 13 हुआ है, तो 1 बराबर 5 है, तो 3 बराबर कितना आ जाएगा? 15। तो हमने कितना मिक्सचर निकाला था बच्चों यहाँ पर? 15। क्या बच्चों बात समझ पा रहे हैं? कितना निकाला था? 15 निकाला था, 15 निकाला था। आप समझिए गौर से, हम कह रहे हैं कि ऐसे सवाल आज आपको हम सिखा के जाएं, बस आपको टाइम देना होगा बच्चों। और थोड़े सवाल ये हम आपसे कह रहे हैं कि सवाल आ चुके हैं, ये 22 का सवाल है और ये MTS में पूछा हुआ सवाल है, क्योंकि उसमें सवाल में MTS का पूछा हुआ सवाल है बच्चों, ये MTS का। क्या यहां तक की बात समझ पा रहे हैं? क्या किसी प्रकार की कोई समस्या है? एक बार बताइए क्लियर हुई बात ये? अब जरूर एक बार कमेंट करके बताएं कि बात क्लियर हो पा रही है। आगे बढ़ें, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये 2022 के सवाल है, बस मुझसे ये गलती हुई कि हमने लिखवा नहीं पाई इसमें कि कौन सा पेपर किस पेपर में कब पूछा गया है। ठीक है, अगली बार से हम ये कह रखा है कि जो टाइप के कौन सा पेपर में आए वो जरूर लिखें इसमें। अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने सेम सवाल है, जितने भी सवाल होंगे एक ही टाइप के सवाल होंगे यतराज, और आपको देखना है कैसे कैसे सवाल कर रहा है। देखिए क्या लिखा है सवाल में, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है, मिक्सचर का कितना भाग निकालें और उतना ही पानी डाल दिया जिससे अनुपात 1:1 हो जाता है, तो कितना भाग निकाला गया था? ये बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन हमने कहा ये तरीका आपको सीख गया है तो इससे आप आसान कर लेंगे। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है? 7:3। तो सम कितना आ जाएगा? 10। जितना निकाला है उतना ही पानी डाला है। अभी सवाल पीछे कर चुके हो, 9 लीटर मिक्सचर निकाला, 9 लीटर पानी डाला, 5 लीटर मिक्सचर निकाला, ये कर चुके हैं सवाल। तो जितना निकाला उतना ही पानी डाला है, तो यहाँ पर कितना हो गया? 1:1। तो सम कितना हो गया? 2। बात समझ पा रहे हैं? तो पानी डाला है तो दूध में एक बार परिवर्तन हुआ है, तो बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं मिल्क को हम क्या मान लेंगे बच्चों? टोटल। क्या मानेंगे? टोटल। मिल्क को टोटल मान लेंगे, पर ये बराबर करने तो मिल्क अब कहेंगे इसको क्या? ये पहले मिल्क टोटल कितना था बताइए? 7। और इसमें किसका गुणा कर दें बच्चों? 5, क्योंकि बराबर भी करना पड़ेगा। तो अब मिल्क कितना हो गया है? 5। कितना हो गया? 5। पहले टोटल 7 था, अब टोटल कितना बचा है? 5। कितना निकाल लिया हमने? 2 निकाला है। और आपसे कह रहा है कितना भाग निकाला? तो बच्चों 2 निकाला है, कितने में? 7 में। पहले 7 था, तो बच्चों इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2/7। मानसी पांडे का, कोमल रावत का आंसर बिल्कुल सही है। क्या बात समझ पा रहे हैं? ये वही तरीका है जो अभी आपने सीखा है,
और इसी तरीके से आप सवाल लगा सकते हो सभी। कोई डाउट है? अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं हमसे। आगे बढ़े, अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने ये है, सेम सवाल है, सेम सवाल है, बस डाटा चेंज है, सेम सवाल है, बस आपको उसी तरीके से करने हैं बच्चों। देखिए, और ये भी आपका पूछा गया सवाल है, ये पूछे हुए सवाल है। ये हम कह रहे हैं कि एक कंटेनर में क्या, एक बीकर द्रव से भरा हुआ है, पानी भाग तीन है और औषधि सात है। तो यहां पर पानी और किसकी बात की उसने, औषधि, मेडिसिन जिसको बोलते हैं, औषधि कितनी दी है, सात। पानी तीन, औषधि सात, सम कितना हो जाएगा, दस। ठीक है ना, मिक्सचर का जितना भाग निकाला उतना ही पानी से बदल दिया, तो अनुपात कितना हो गया, एक अनुपात एक, कितना हो जाएगा सम, एक और एक दो, बराबर कर ले तो पांच गुणा, तो यहां भी किसका गुणा हो जाएगा, पांच, इधर भी किसका, पांच। तो हमने कहा पानी से बदला है तो औषधि तो एक ही बार हुई है, तो बच्चों औषधि को हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पर औषधि को क्या मान लेंगे, टोटल। औषधि को बच्चों टोटल मानेंगे, टोटल कितना था, सात, अब कितना हो गया ये, पांच। औषधि मानना है टोटल, यहां कितना हो गया ये, पांच, सात से पांच कितना कम हुआ, दो, किस पर कम हुआ, सात, दो बटे सात। तो बच्चों इसका भी आंसर कितना आएगा, दो बटे सात आएगा। बिल्कुल सभी प्यारे बच्चों के आंसर बिल्कुल सही हैं, कोमल का आंसर, रोहित का आंसर बिल्कुल सही है, मानसी पांडे बिल्कुल आंसर सही है, आप सभी के बिल्कुल। ये सवाल आ चुके हैं, सवाल ये सभी, आगे बढ़े बच्चों, आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, थोड़े सवाल हम जल्दी जल्दी कराएंगे क्योंकि काफ़ी बच्चों के कमेंट आए कि मतलब जो बातें डेढ़ घंटे में हो जाती हैं वो बात में हम 40-45 मिनट में कर लेते हैं, थोड़ा सा तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी कराते रहेंगे सवाल, ठीक है, थोड़ा हम कोशिश करेंगे जल्दी करने के लिए। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है, मिक्सचर का जितना भाग निकाला उतना ही पानी भर दिया, सेम सवाल है, सेम सवाल ये आ चुके हैं, सेम, क्या लिखेंगे बताइए। मिल्क और वाटर का कितना रेशियो दिया गया है, 2:1, सम कितना हो जाएगा, 3। फिर जितना भाग निकाला उतना ही पानी डाला तो कितना रेशियो हो गया, 5:3, सम कितना हो जाएगा, 8। बराबर करना पड़ेगा यहाँ पर, तो हमने कहा कि दूध में एक बार परिवर्तन हो रहा है, पानी डाल लो अगली बार, पानी में दो बार परिवर्तन, दूध में एक बार परिवर्तन, जिसमें एक बार परिवर्तन उसको क्या मानेंगे, टोटल। तो यहाँ पर बच्चों कह सकते हैं जो मिल्क को क्या मान लेंगे, टोटल मान लेंगे, क्या मानेंगे बच्चों, टोटल मानेंगे। तो अब टोटल मानना है, तो हमने कहा इन दोनों को बराबर भी तो करना है यहाँ पर, तभी टोटल, तो इसमें किसका गुणा करेंगे बच्चों, 8 का, तो मिल्क को ही लेना है तो ये 8 का गुणा करें कितना हो जाएगा ये, 16। पहले टोटल 16 था, इसमें किसका गुणा बच्चों, 3 का, तो आप कितना हो गया बच्चों, 15। यानी टोटल 16 से 15 हो गया, कितना कम हुआ है, 1, 1 कम हुआ किस पर, 16 पर। तो बच्चों इसका आंसर क्या आएगा, 1/16। बिल्कुल कोमल, मानसी पांडे, रोहित, हनी, सभी प्यारे बच्चों के आंसर बिल्कुल सही हैं, यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्या ये बात समझ पा रहे हैं बच्चों। अगला सवाल आपके नजरों के सामने ये रहा, थोड़ा सा चेंज हुआ है यहाँ पर, आप थोड़ा सा चेंज है, पहले बेसिक देखेंगे बच्चों, फिर हमने कहा यही तरीके जो सीखे हैं इनसे भी सवाल करेंगे, ठीक है, कुछ नए बच्चे भी देखना चाहेंगे तो उनको भी समझ में आए, इसलिए थोड़ा बेसिक पहले देखेंगे बच्चों। देखिए अभी हमने बेसिक बताया, बेसिक देखा जाए बच्चों पहले, तो बेसिक की बात कर ले कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है, हम यहाँ से बना रहे हैं बच्चों, ऐसे लिख के जाएंगे क्योंकि यहाँ से बनेगा नहीं, यहाँ पर हम कह रहे हैं बच्चों एक बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दिया है, 3:1, 24 लीटर मिक्सचर निकाल लिया, 24 लीटर मिक्सचर हमने क्या कर लिया बच्चों, निकाल लिया।
हम क्या हमने क्या बताया था, मिक्सचर निकालने से अनुपात में कोई फर्क नहीं होता है। तो बच्चों हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 24 लीटर मिक्सचर निकाल रहे हैं तब भी दूध और पानी का जो अनुपात होगा वो कितना रहेगा, 3:1। ये अगर ये बर्तन आपने ए मान लिया है और ये बर्तन आपने क्या मान लिया है, बी मान लिया है, तो बर्तन बी में ए की तुलना में कितने लीटर का मिक्सचर होगा, 24। या इस बात को ऐसे भी कह सकते हो कि बर्तन ए में बी की तुलना में कितने लीटर मिक्सचर ज़्यादा होगा, 24। फिर कह रहा कि अब इसमें पानी ऐड किया है, कितना ऐड किया है, 9 लीटर, चेंज हुआ थोड़ा सा 9 लीटर। अब इसमें 9 लीटर बच्चों पानी आपने क्या आपने यहाँ के बाद दूध में कोई परिवर्तन किया है, नहीं किया है, केवल पानी डाला है, दूध नहीं डाला है इसके बाद, तो इसी बात को ऊपर लिख रहे हैं। तो हम यहाँ पे देख भी सकते हैं कि यहाँ दूध कितना है बच्चों, 3, और यहाँ पर भी दूध कितना है, 3। अगर दूध बराबर ना होता तो बराबर कर लेते गुणाएं भाग से। पानी यहाँ कितना है, 1, और यहाँ कितना है, 4। पानी कितना बढ़ गया बच्चों, 3 बढ़ा है, कितना बढ़ा है, 3। सवाल में कितना है, 9। तो बच्चों यहाँ पे कह सकते हैं कि 3 बराबर 9 लीटर, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 बराबर 3 लीटर। 3 बराबर 9 तो 1 बराबर 3 लीटर। बात समझ पा रहे हैं, 1 बराबर 3, 1 अनुपात कितने लीटर बराबर है, 3। यहाँ पर कितना अनुपात है, 3 और 1 4, 4 रेशियो है टोटल यहाँ पर, और 1 अनुपात किसके बराबर है, 3 लीटर। तो इसमें हम कह देंगे इंटू 3, तो इस वाले बर्तन में कितनी मात्रा थी बताइए, 12 लीटर। मिक्सचर कितना था यहाँ पर, 12। जब 24 लीटर मिक्सचर हटा दिया गया तब 12 बचा था। अगर ये 24-20 में ऐड होता तो इस वाले बर्तन में बच्चों यहाँ पे कह सकते हैं कितने लीटर मिक्सचर था बताइए, 36 लीटर। कितना था यहाँ पर, 36। तो हम कह सकते हैं बच्चों यहाँ पर मिक्सचर की मात्रा कितनी थी यहाँ पर, 36 लीटर। एक बार कमेंट करके बताएं कि ये बात आपको समझ में आई। बिल्कुल यहाँ पर 36 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 36 आएगा। बिल्कुल कोमल लावत का आंसर सही है, 36। मानसी पांडे, ये बेसिक है बच्चों, आपसे फिर कह रहा है बेसिक है, एक बार बेसिक समझाया गया ये। पुरानी मात्रा पूछी है तो पुरानी मात्रा ही बेटा यहाँ पर 36 है, यहाँ पर पुरानी मात्रा, नई मात्रा तो उसमें 12 में 9 जोड़ दोगे कितनी आ जाएगी बताइए, 19, 12 में 9 जोड़ेंगे 21, नई मात्रा 21 आएगी बच्चों, क्योंकि 24 मिक्सचर निकाला है और 9 लीटर पानी डाला है, तो जो नई मात्रा टोटल आएगी वो 21 आएगी है, वो कितनी आएगी, 21 आएगी। क्योंकि आपने मिक्सचर 24 निकाला है, पानी उसमें केवल 9 लीटर डाला है आपने, तो नई मात्रा बेटा कितनी आएगी, 21 आएगी, पुरानी मात्रा आपकी। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, ये बेसिक था बच्चों। फिर हम आपसे कह दें कि इस सवाल को और देखिए कैसे करना है, इसके हम दो तरीके और बताएंगे। ये बेसिक समझ में आ चुका होगा, दूसरा तरीका देख लें इसका, दूसरा क्या करेंगे। अगर हमने क्या सीखा है कि मिक्सचर जितना निकालते हैं तो अनुपात में कोई फर्क नहीं आता है, गौर से देखना कि अगर हमने 24 लीटर मिक्सचर निकाल लिया है तब भी कहेंगे मिल्क और वाटर में क्या रेशियो रहेगा, 3:1, क्या रहेगा, 3:1। फिर उसने कह दिया कि 9 लीटर पानी मिला दिया हमने, बाद में 9 लीटर क्या मिला है, पानी, तो रेशियो कितना हो गया, 3:4, गौर से देखना यहाँ पर। तो 9 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद, ये मिक्सचर हमने हटा दिया है, उसके बाद भी मिल्क और वाटर का रेशियो कितना रहेगा, 3:1। 9 लीटर पानी मिलाया है तो रेशियो कितना हो गया, 3:4, दूध तो नहीं मिलाया है
दूध बराबर होना चाहिए। तो दूध यहाँ पर देखिए बराबर भी है, यहाँ पर भी तीन है, यहाँ पर भी कितना है तीन। अगर बराबर ना होता तो क्या कर लेते, बराबर करते। पानी यहाँ कितना, एक से कितना हो गया है चार, अनुपात में कितना बढ़ रहा है तीन, सवाल में कितना है नौ, एक बराबर कितना आ गया तीन, एक बराबर कितना आ गया बच्चों तीन, एक अनुपात तीन लीटर के बराबर, तो ये टोटल कितना अनुपात हो जाएगा बताइए चार, और एक अनुपात तीन के बराबर तो चार इंटू तीन, तो यहाँ पर मिक्सचर कितना है बताइए बच्चों 12 लीटर, कितना है 12 मिक्सचर है। 24 हटाया तब 12 बचा है, अगर ये 24 भी जोड़ दे बच्चों तो पहले क्या कितना मिक्सचर था बताइए 36 लीटर मिक्सचर था, कितना था ये 36 लीटर मिक्सचर था। तो बच्चों ये दूसरा तरीका है, ये दूसरा तरीका है, समझ पा रहे हैं कि मिक्सचर निकालने के बाद रेशियो में वही रहेगा, तो यहां पर जो मात्रा आई 12 आई है, 24 निकालने के बाद 12 है, तो पहले कितना था यहां पर 24, वो भी जोड़ दो 36 था। अगर यहीं पे आपसे दूध और पानी पूछ रहे अलग अलग, तो तीन और एक चार, चार बराबर 36, एक बराबर 9, 27 दूध और 9 पानी, ये पहले की मात्रा आ जाएगी। फिर हमने कहा एक तरीका और देखें, जो अभी सीख रहे थे वो तरीका भी बच्चों करना है, जो अभी सीख रहे थे उससे भी करना है, लेकिन वो तरीका कब लगेगा, जब बराबर मात्रा में निकालेंगे और बराबर मात्रा में क्या करेंगे पानी या दूध मिलाएंगे, कोई मात्रा जितनी निकाली जाए और उतनी ही मिलाई जाए तभी वो तरीका लग पाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, क्योंकि यह मात्रा अलग अलग है, 24 निकाल कर आप 9 लीटर पानी मिला रहे हैं, गौर से देखना, 24 लीटर आपने मिक्सचर मिलाया निकाला है पानी कितना मिलाया आपने 9 लीटर आपने पानी मिलाया है, तो ये हम ऐसे कर लें कि 9 लीटर पानी मिला रहे हैं, तो हम कहेंगे 9 लीटर मिक्सचर निकाले और 9 लीटर पानी मिलाएं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि 24 में 9 हटा दीजिए आप, 24 में से 9 क्या करेंगे हटा देंगे, जो बचेगा हमारे पास वो कितने लीटर बचेगा 15, 15 मिक्सचर हटाकर अलग रख देना है, 15 लीटर हटाकर क्या कर रखें अलग, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं 15 मिक्सचर और प्लस 9 मिक्सचर, ठीक है, तो 15 लाख हटाकर हमने क्या कर दिया अलग कर दिया, और हमने अब सवाल को क्या पढ़ेंगे, ये 15 हटा के अलग कर दिया, जो आंसर आएगा उसमें क्या जोड़ेंगे हम 15, सवाल में ये पढ़ेंगे कि 9 लीटर मिक्सचर निकाला और 9 लीटर पानी डाला, बात समझ पा रहे हैं। उसके लिए वही प्रोसेस कि पहले मिल्क और वाटर का कितना रेशियो बताइए 3:1, कितना हो जाएगा बच्चों 4, फिर हमने कहा 9 लीटर मिक्सचर निकाला 9 ही डाला क्योंकि 15 हमने हटा के रख दिया है, अब रेशियो कितना हो गया बताइए 3:4, तो सम कितना हो जाएगा बच्चों 7, दोनों को बराबर। हमने कहा किसमें एक बार परिवर्तन हुआ दूध में, तो बच्चों हम कह सकते हैं मिल्क को ही क्या मान लेंगे टोटल, क्या मानेंगे बच्चों टोटल मानेंगे, टोटल मिल्क को क्या मानेंगे टोटल। अगर हमने कहा इन दोनों को बराबर करना है, ऊपर किसका गुणा बच्चों 7 का, तो दूध को ही टोटल माना है, दूध ही क्या है टोटल है, तो 7 का गुणा किया तो 21, तो पहले टोटल कितना था 21, नीचे किसका गुणा करेंगे 4 का क्योंकि बराबर करना है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 12, यानी टोटल पहले 21 था 12 हो गया, कितना कम किया गया 9 कम किया गया, कितना कम किया गया 9, 9 लीटर मिक्सचर कम, सवाल में भी कितना कम 9, 9 बराबर 9 है तो 1 बराबर 1, 21 बराबर 21, पर ये 21 कब आया है मिक्सचर, जब आपने 15 हटा के अलग रख दिया था, अब वो 15 भी ऐड कर लो तो प्लस 15, आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 36, कितना आ जाएगा ये 36, क्या बच्चों ये बात समझ में आई, एक बार जरूर कमेंट करके बताइए कि ये बात क्लियर हुई क्या। ऐसे सवाल के लिए क्या करना है कि बराबर मात्रा में जितना पानी मिला रहे हो उतनी मिक्सचर निकालो, बाकी जो एक्स्ट्रा मिक्सचर है वो हटाकर क्या रख देना है अलग रख देना है, और बाद में जितना आंसर आएगा वो मात्रा उसमें क्या कर देनी बच्चों जोड़ देनी है। क्या ये बात क्लियर हो पा रही है, एक बार कमेंट करके बताएं फिर आगे बढ़ा जाए बच्चों। बात समझ पा रहे हैं बच्चों, आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं बच्चों अगला सवाल।
अगला सवाल आपके सामने ये रहा, 180 लीटर मिक्सर में रस और पानी का अनुपात 7:5 है, 2x लीटर मिक्सर को निकाला, x लीटर पानी में बदल दिया। देखो सवाल वही है, यानी डबल मिक्सर निकाल रहे हो और पानी कितना डाल रहे हैं, x लीटर आधा डाल रहे हैं मतलब, तो रस और पानी का अनुपात 7:9 हो जाता है। तो कह रहा है कि x का मान बताना है बच्चों, यहाँ पर क्या बताना है बच्चों, x का मान। हम बच्चों से कहना चाहेंगे जरूर ट्राई करें एक बार इसको, बिल्कुल बच्चों इसको जरूर ट्राई करें एक बार सेम सवाल है, आप लोग ट्राई करें एक मिनट के लिए जल्दी से इसको बच्चों, सेम सवाल है जल्दी से ट्राई करें सभी बच्चे जल्दी से। सभी प्यारे बच्चों से हम कहेंगे जल्दी से इसको ट्राई कर ले। बहुत अच्छा सवाल है, अगर आपने तरीके सीख लिए तो बहुत आसानी से कर लोगे, पर आपने तरीके अगर नहीं सीख रहे हैं तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा बच्चों। हम फिर आपसे कह रहे हैं थोड़ा सा टाइम लग सकता है ऐसे आपको। आपसे केवल x की मात्रा पूछी गई है, 2x की मात्रा नहीं पूछी गई बच्चों। हम आपसे कहेंगे कि आपसे केवल x की मात्रा पूछी गई है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं अच्छा सवाल को। उसमें यानी उसमें पानी में बदला है, पानी से बदला है, पानी डाला है, x लीटर हमने क्या डाला है उसमें, पानी डाला है। ये बात समझ पा रहे होंगे, क्योंकि आपसे x पूछा है, डबल पूछेगा डबल कर देंगे। देखिए बच्चों, देखिए कैसे करना है। तो मिल्क और वाटर, यहां पर क्या, रस और पानी, रस और पानी का अनुपात कितना दिया है बताइए, 7:5, सम कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12। फिर हमने कहा बाद में कितना हो गया ये 7:9, सम कितना हो जाएगा बच्चों ये 16। आपने पानी में दो बार परिवर्तन किया है, दूध में कितने, रस में कितनी किया है, एक बार। तो बच्चों हम यहाँ पे कह सकते हैं कि रस को ही क्या मानेंगे बच्चों, टोटल मानेंगे, क्या मानेंगे, टोटल। यहाँ पे लिख लें रस को, यहाँ से हटा दे रहे हैं यहाँ पर, ताकि जब बोर्ड ज़्यादा भरे भी ना। रस को हमने कितना मान लिया बच्चों, टोटल मान लिया, टोटल रस। तो जब इन दोनों को बराबर करना है, ऊपर किसका गुणा, 4 का, तो रस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 28, टोटल पहले 28 था, नीचे किसका गुणा बच्चों, 3 का, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 21 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 21। अगर हम कहें कितना कम हो रहा है बच्चों, 7, कितना कम हो रहा है 7, और सवाल में आपने कितना पानी मिलाया था, क्योंकि अब सवाल तो ये रह गया, एक्स मिक्सचर निकाल रहे, एक्स मिला रहे हैं, तो एक्स को हटा दिया था हमने यहाँ पर, तो 7 बराबर कितना आ गया बच्चों, x, ये 28 7 का कई गुना है, 4, तो 28 बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों, 4x। गौर से देखना, 28 बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों यहां पर, 4x। बात समझ पा रहे हैं, 28 बराबर 4x लिख सकते हैं, ये बात क्लियर हो पा रही है। अब हमने कहा ये 4x मिक्सचर कब था, जब आपने, अब जो एक्स्ट्रा आपने हटा के रखा है वो भी ऐड कर लीजिए, तो हमने कहा इसको भी जोड़ लेंगे, तो कितना हो जाएगा बच्चों ये 5x, ये वाला जो हटा के रखा है, 5x किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, 180 के बराबर। तो बच्चों x बराबर कितना आ जाएगा, 36, बता 36 आएगा। क्या इससे सरल सलूशन मिल सकता है बच्चों, कितना आएगा बच्चों ये 36 आएगा, बताइए बच्चों क्या ये समझ में आई बात, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इस सवाल को आपको करना पड़ेगा, बहुत ही अच्छा सवाल है ये।
क्या कंफर्म हुई बात ये? जरूर एक बार कमेंट करके बताएं कि अगर आपको डाउट लग रहा हो तो एक बार हम फिर से बता देंगे, क्योंकि अच्छे सवाल हैं ये। कोमल आवर के बेसिक भी बता दीजिए, इसका बेसिक अगर करेंगे थोड़ा सा काफी लगेगा बेसिक। चलो बेसिक ही देख लेते हैं बच्चों, यहां पर बेसिक ही देखते हैं एक बार। थोड़ा बेसिक में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, पर बेसिक भी एक बार देख लेते हैं। ये बात समझ में आ गई इतनी? बेसिक भी बता देंगे, ये बात समझ में आ गई इतनी? चलिए बेसिक में आप देखिए कैसे कर लेंगे इसको, बेसिक में देख लें। हमारे पास मिक्सचर 180 लीटर है जो 7:5 के अनुपात में है, 7:5 के अनुपात में। तो पहले वो बाद में करेंगे, ये बाद में ऐसे। तो बच्चों यहाँ पे कह सकते हैं कि एक बर्तन में मिल्क और रस, यहाँ पे रस लिखा है, यहाँ पे रस लिख देना है, थोड़ा सा इसको देख ले। अगर यहाँ पे हम कह दें कि एक बर्तन में रस और वाटर का रेशियो कितना है, 7:5 ये है, और हमने कितना निकाला उससे, 2x मिक्सचर निकाल लिया, 2x निकाला है, तब भी अनुपात कितना रहेगा बच्चों, रस और वाटर का अनुपात कितना रहेगा, 7:5 ही रहेगा। कितना रहेगा? 7:5 ही रहेगा अनुपात। फिर हमने उसमें कितना डाला है, x लीटर पानी मिला दिया, तब उसका अनुपात कितना हो गया, रस और वाटर का अनुपात कितना हो गया बच्चों, यहाँ पर 7:9 हो गया है। कितना हो गया है? 7:9 हो गया है। बात समझ पा रहे हैं? यहाँ पर 7:9 हो गया है। तो देखिए आपने रस नहीं मिलाया है, क्या आपने रस मिलाया है? नहीं मिलाया है। तो रस बराबर भी है, क्या मिलाया आपने, पानी। पानी यहाँ 5 है, यहाँ पे कितना है, 9, कितना बढ़ गया बच्चों, 4। 4 किसके बराबर है, x के। 4 किसके बराबर है, x के। तो हम कहेंगे 4 बराबर x है, तो 1 बराबर कितना होगा, x बटे 4। कितना होगा, x बटे 4। टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7×5 = 12, 12 × x/4। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, 3x। कितना आएगा, 3x। बात समझ पा रहे हैं? इस वाले बर्तन में 3x बचा है, जब 2x पी गए थे हम, तो इस वाले बर्तन में कितना होगा बचाइए, 5x। कितना होगा, 5x। अब ये 5x किसके बराबर है बच्चों, 180 लीटर के बराबर। तो x बराबर कितना आ जाएगा बताइए, 36। क्या ये बात क्लियर हुई, क्या ये बात क्लियर हो पाई है? कमेंट करके बताइए कि बात समझ में आ गई है। क्योंकि 3x बचा था 2x हटाने के बाद, तो हम 2x जोड़ देंगे, कितने x आ जाएंगे यहां पर, 5। ये 5x टोटल मात्रा है, और टोटल किसके बराबर है, 180 लीटर के बराबर। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 36 लीटर आ जाएगा। आगे बढ़े बच्चों, सवाल अच्छे हैं ये, इनसे हम आपसे फिर कह रहे हैं, इन सवालों को एक दो बार लगाइए। हम इसकी पीपीटी पीडीएफ डाल देंगे ग्रुप में, आप इन सवालों को लगाएं। जब एक दो बार आप अच्छे से लगा लेंगे तो सवाल आपको बहुत अच्छे तरीके से आना स्टार्ट हो जाएंगे ये, क्योंकि कुछ ये अच्छे सवाल है, ये आने की पूरी चांस है, क्योंकि इस बार SSC अपना बदल रही है एग्जाम कराने का तरीका। तो उम्मीद है कि मैथ का जितना लेवल डाउन हो गया था, अब वो मैथ अच्छे सवाल लगा लाएंगे, वो देखते हैं। अगला सवाल अगली पीडीएफ में चलना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन की वीडियो छोटी बनी थी, ये उसी की वजह से पूरा सा शेड्यूल बिगड़ा हुआ है इसी के। कोई दिक्कत नहीं है, आपका दो मिनट का समय यहाँ पर लगेगा यहाँ पर, लेकिन अब लगता है इसमें पीडीएफ भी नहीं पड़ी है वो, अब तो ये बड़ी समस्या हो जाएगी। पीडीएफ फोन में पड़ी है, अब फोन से मेल में कैसे जाएगा? ठीक है, तो बच्चों एक मिनट के लिए आपको ब्रेक करना पड़ेगा, लगता है कि ऐसे जा सकता है क्या बिना उसके कट के एक बार।
क्योंकि इसमें डाउनलोड ही नहीं हुआ, ये हमने भेज दिया था कि हो सकता है डाउनलोड हो जाएगा। बच्चों एक मिनट जरा रहना, जरा एक बार हम देखते हैं, थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब होगा यहाँ पर, लेकिन ये जा सकता है ऐसे। आप लोग लाइव बने रहिए, देखो भाई चल रही क्लास। हाँ ठीक है, हमने सीट खैर डाल दी है, थोड़ा सा आपका ये टाइम थोड़ा सा इशू हो गया, कोई दिक्कत, हम थोड़ा सा आप क्षमा चाहते हैं इसके लिए। वो पीडीएफ नहीं पढ़ पाई थी इसमें, इसलिए हमने उसको रोक कर, इतना आपको थोड़ा सा कष्ट हुआ है। ऐसा भी कम जानते हैं बेटा अभी हम। ये अगला सवाल आपके सामने, अगला सवाल कह रहा है कि क्योंकि उसी फोन से वीडियो बनना है, उसी फोन में ये पीडीएफ पड़ी हुई थी। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, यदि मिक्सर का 10 लीटर मिक्सर निकाला है और 15 लीटर पानी मिलाया है, इस बार मिक्सर कम निकालना है, पानी कितना मिलाना है 15 लीटर, तो दूध और पानी का अनुपात 2:3 हो जाता है, तो मिक्सचर में दूध की प्रारंभिक मात्रा बतानी है। मिक्सचर में बच्चों दूध की प्रारंभिक मात्रा बतानी है, जल्दी से बच्चों इसको करेंगे। मिक्सचर में दूध की प्रारंभिक मात्रा बतानी है। देखिए आप बेसिक कर सकते हो सवाल में, अगर आप करना चाहे वैसे ही बेसिक देख सकते हो। कैसे, अभी हमने क्या बताया कि एक बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दिया है, 3:2, कितना मिक्सचर निकाल रहे हैं हम, 10 लीटर मिक्सचर निकाल रहे हैं, माइनस का मतलब निकालना हुआ है, 10 लीटर मिक्सचर हमने क्या किया है, निकाल लिया है। अब 10 लीटर मिक्सचर जब निकाला है तो बी अनुपात कितना रहेगा, मिल्क और वाटर का अनुपात कितना रहेगा, 3:2, समझ पा रहे हैं। फिर हमने कितना ऐड किया उसमें पानी, 15 लीटर। अब बच्चों यहाँ पर 15 लीटर पानी ऐड कर रहे हैं, तो मिल्क पानी ऐड कर रहे हैं, पानी लिखा है पी से पानी, तो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो गया बताइए, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो गया, 2:3। तो क्या हमने दूध ऐड किया है, नहीं ऐड किया है, दूध बराबर करना है, तो इसमें किसका गुणा करेंगे, 2 का, तो ये 6:4 कितना आ जाएगा, 4, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना आ गया, 6:4, 3:2 से 6:4 बन गया, इसमें किसका गुणा बच्चों, 3 का, इसमें 2 का गुणा किया, इसमें किसका, 3 का, तो 6:9 हो गया, पानी कितना हो गया, 6:9, यानी इधर तो दूध बराबर है, देखिए पानी 4 से कितना हो गया, 9 हो गया, कितना बढ़ गया, 5, सवाल में कितना बढ़ रहा है, 15, तो 5 बराबर अगर 15 लीटर है तो 1 बराबर कितना आएगा, 3 लीटर, कितना आएगा, 3, तो यहाँ पर कितना, अब कितना रेशियो है, 6:4, 10, तो यहाँ पर ये ना जोड़ना, अब ये नया रेशियो कितना है, 6:4, 10, और 1 बराबर कितना है, 3:3, तो कितना आ जाएगा, 30 कब आया, जब आपने 10 मिक्सचर निकाल लिया था, 10 मिक्सचर आपने निकाल लिया, तो यहां पर कितना रहा होगा टोटल, 40, कितना रहा होगा बच्चों, 40। तो आपसे मिक्सचर नहीं पूछा है, आपसे दूध की मात्रा पूछी है, तो दूध की मात्रा 40 में तोड़ना है बच्चों, यहां पर टोटल 40 है, 40 में मिल्क और वाटर की बात कर लें, मिल्क और वाटर किस रेशियो में है, 3:2, 3:2 कितने हो जाएंगे, 5, 5 बराबर 40, 1 बराबर 8, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, 24 लीटर दूध था, 16 लीटर क्या था, पानी, तो दूध पूछा है तो कितना आ जाएगा बच्चों, 24। कोमल का, गुड़िया का आंसर बिल्कुल सही है, यहाँ पर 24 आए हैं, बिल्कुल सही है। क्या हम ये बातें सीख पा रहे हैं यहाँ पर, ये बात समझ में आई बच्चों, अब इस सवाल को आप करना चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं जैसे अभी आपने सीखा था, लेकिन हमने क्या था कि मिक्सचर को क्या करना पड़ेगा आपको, बराबर,
पर आप बराबर कैसे करें कि कम निकालना है ज्यादा डालना है? तो आप भी जिद्दी बन जाइए, आप भी कह दीजिए कि 15 निकालेंगे और 15 ही डालेंगे। अब यहाँ पे गौर से देखना, जितना मिक्सचर आएगा आपने 10 से, यानी हम कह रहे हैं 10 से कितना कर दिया है, यहाँ पर 15 कर दिया है, और आपने मिक्सचर कितना बढ़ा लिया है, 5 लीटर। जितना टोटल आएगा उसमें कितना कम कर देंगे, 5। बात समझ पा रहे हैं? सवाल ये सीधा हो गया कि 15 मिक्सचर निकाला और 15 लीटर पानी डाला। तो हमने कहा मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है बच्चों, बताओ, 3:2, सम कितना हो जाएगा, 5। 15 लीटर मिक्सचर निकाला, 15 डाला, तो अब रेशियो कितना हो गया बताइए, 2:3, तो यहाँ पर कितना होगा सम, 5, इक्वल है। तो हमने कहा किसमें एक बार परिवर्तन है, दूध में, किसमें है, दूध में। तो मिल्क को क्या मानेंगे बच्चों, यहाँ पर टोटल मानेंगे, क्या मानेंगे, टोटल। मिल्क टोटल पहले कितना था, क्योंकि यहाँ दोनों इक्वल है, टोटल 3 था, अब 3 से कितना हो गया है, 2 हो गया है। कितना कम हुआ है, 1, और सवाल में आपने कितना कम किया था, 15। 1 बराबर 15, तो 3 बराबर कितना आ जाएगा, 45, कितना आ जाएगा, 45 मिक्सचर आया। लेकिन हमने क्या बताया था, 45 कब आया, जब आपने 10 की जगह कितना निकाला है, 15 निकाला है, तो 45 में कितना कम कर देंगे बच्चों, 5। तो आंसर कितना, इस 45 में से बच्चों, 45 मिक्सचर में से हम कितना कम कर देंगे, 5 मिक्सचर कम कर देंगे, 5 मिक्सचर कम कर देंगे, तो कितना मिक्सचर आएगा इस बताइए, 40। तो टोटल मिक्सचर 40 आ गया। अब उसको दूध और पानी में तोड़ना है, तो 3:2 में तोड़ना है, तो 24 लीटर दूध और 16 लीटर पानी, 3:2, 5, 5 बराबर 40, 1 बराबर 8। क्या ये बात समझ में आई है, क्या ये बात समझ पा रही है कि नहीं? ये बात क्लियर हो पा रही है कि आप ऐसे करने का प्रयास करें, इतना लिखने में टाइम लग गया, बताने में इतना टाइम लग गया, आप ओरल कर सकते हो, सवाल में ओरल निकाल सकते हो, अगर ये बात सीख जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा ऐसे इस बात सवाल को सीखने में, पर आप जल्दी से आंसर कर सकते हैं बच्चों। आगे बढ़े बच्चों, इजाजत है, आगे देखते हैं अगला सवाल आपके नजरों के सामने ये रहा, क्या कह रहा है, एक बर्तन में 212 लीटर दूध और पानी का मिक्सचर 11:5 के अनुपात में मिला हुआ है, बर्तन से 8x मिक्सचर निकाला, गौर से देखना, 8x मिक्सचर निकाला, थोड़ा और बदला उस सवाल ने, और उसमें 3x-3 लीटर पानी से बदल दिया, बहुत अच्छा सवाल कर दिया उसने, ताकि बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 4:3 हो जाए। बर्तन में दूध और पानी के मात्रा के बीच का अंतर बताना है बच्चों, जल्दी से बच्चों इसको ट्राई कर सकते हैं, प्यारे बच्चों ट्राई करिए एक बार, जल्दी से ट्राई करिए, जैसे ही बड़े सवाल आते हैं, काफी जो नए बच्चे हैं थोड़ा सा चले जाते हैं यहाँ पर, लेकिन हम उन बच्चों से फिर कहना चाहेंगे, जब पहली बार कभी भी पढ़ें, आज नहीं एक साल बाद फिर पढ़ें, पहली बार जब पढ़ोगे तो समझ में कम आएगा, ये फिर से आपसे बता दें बच्चों, तो इसलिए आप उसको डिले ना करें, अभी से पढ़ना स्टार्ट करें और इन सवालों की थोड़ी सी आदत डालें आप लोग। इन सवालों क्या डालें, आदत डालें। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, ठीक है, ये सवाल थोड़े कैलकुलेटिव है, ये सवाल आपको, इसको हम HW में दे दे रहे हैं, कल हम इसको कॉपी चेक करेंगे इसमें, ठीक है। अभी हमने इसका बेसिक एक बताया था, इसमें 2xx था, आपको वैसे ही करना है सेम सवाल, ठीक है, कॉपी में वैसे ही करना है, या तो HW में सवाल हो जाएगा बच्चों ये। आगे देखते हैं अगला सवाल, ये HW में हो गया सवाल, ये थोड़ा वैसे ही करना है, बेसिक उस सवाल को देखिए वैसे ही करिए। अगला सवाल क्या दिया है ये देखिए, अगर दिक्कत हो तो बता भी दिया जाए उसको, कल बताया जाए, आप ट्राई करना, कुछ नहीं सवाल में बेसिक है, आप ट्राई करना बच्चों उसको।
एक बर्तन में सेब संतरा और आम के रस का मिक्सचर 3:5:4 के अनुपात में मिक्सचर से 12 लीटर मिक्सचर मात्रा निकाली गई, 8 लीटर सेब से सेब के रस से बदल दिया गया। इसके बाद परिणामी मिक्सचर में सेब संतरे की रस की मात्रा समान हो जाती है। सेब और संतरे की मात्रा कैसी हो जाती है बच्चों? समान हो जाती है। बर्तन मिक्सचर में प्रारंभिक मात्रा बताएं। उस बर्तन के मिक्सचर की क्या बतानी बच्चों? प्रारंभिक मात्रा। सेम सवाल है, उस बर्तन के मिक्सचर क्या बतानी बच्चों? प्रारंभिक मात्रा बतानी है। ट्राई कर सकते हैं बच्चों जल्दी से इसको। क्या उस सवाल में जरूर आप उसको ट्राई करिए और उस सवाल को आसानी से कर सकते हो बच्चों। आप गौर से देखना इस सवाल को कैसे करना है बच्चों। देखिए, सेब को क्या बोलेंगे? एप्पल। तो ये एप्पल है, संतरा ऑरेंज लिख दे रहे हैं, ऑरेंज, कोई दिक्कत है तो उससे लिख दें हिंदी में। और आम को क्या बोलेंगे? मैंगो, ठीक है ना। और इनके रस का अनुपात कितना दिया है बताइए? 3:5:4 ये अनुपात दिया गया है, 3:5:4। 12 लीटर मिक्सचर निकाला, गौर से देखना, 12 लीटर मिक्सचर निकाला है। इन तीनों से निकला होगा 12, अभी तक 2 अनुपात, अब 3 आ गए। और 8 लीटर सेब के रस से बदला है, सेब डाला है, सेब का रस डाला है। सेब का मतलब एप्पल, एप्पल के रस से बदला है। इसके बाद परिणामी मिक्सचर में सेब और संतरे के रस की मात्रा कैसी हो जाती है? बराबर। सेब संतरे की मात्रा कैसी होती है? बराबर। तो हमने कहा मैंगो तो नहीं बदला है हमने, तो अगर मैंगो यहां 4 है तो यहां भी कितना होगा? 4। संतरा भी नहीं हमने बदला है, संतरा यहां कितना है बच्चों? 5। अगर संतरा 5 है तो उसने बोला कि सेब, देख ले बाद में लिखना, अरे देख लीजिए, सेब और संतरे के मात्रा कैसी है? बराबर है। अगर संतरा यहां पे 5 है तो यहां भी कितना हो गया होगा? 5। बात समझ पा रहे हैं? एप्पल यानी सेब, सेब का रस 3 से कितना हो गया बच्चों? 5 हो गया। कितना अनुपात में बढ़ा है? 2 बढ़ा है। सवाल में कितना सेब बढ़ की मात्रा बढ़ रही है? 8 लीटर सेब। तो 2 = 8 है तो बच्चों हम कह सकते हैं कि 1 = कितना आ जाएगा? 4। कितना आ जाएगा? 4। बात समझना, 1 = कितना आ जाएगा? 4। हमने फिर क्या पढ़ा था कि अगर 12 लीटर मिक्सचर हमने निकाल लिया होगा तब भी उनका सेब संतरा और आम का अनुपात यही रहा होगा, 12 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद यही रहा होगा। और 1 अनुपात किसके बराबर है? 4 के बराबर। तो 3 और 5 = 8, 8 = 4 = 12। ये टोटल अगर सम कर लें तो कितना आ जाएगा बच्चों? 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये 12 आएगा। और 1 अनुपात किसके बराबर है? 4। 4 × 12 कर लें तो कितना आ जाएगा बच्चों? 48। यानी 48 लीटर मिक्सचर कब बचा था? जब 12 लीटर पी गए। अगर 12 इसमें जोड़ लें 48 लीटर मिक्सचर में, वो 12 भी जोड़ दीजिए जो पहले हटा दिया था, वो 12 भी हम इसमें क्या करें, इसमें मिक्सचर जोड़ लें, तो कितना टोटल मिक्सचर था बताइए? 60 लीटर मिक्सचर था। तो आरंभ में कितना मिक्सचर था? 60 लीटर। क्या ये बात बनी? किसी कोई डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं बच्चों, क्योंकि मिक्सचर निकालने के बाद अनुपात वही रहेगा। 12 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद सेब संतरा आम का अनुपात वही रहेगा। फिर हमने कहा 8 लीटर जब सेब का रस डाला तो सेब का ऑरेंज के बराबर हो गया, इसका 5, और इसका भी कितना होगा? 5 होगा। क्या यहां तक की बात समझ पा रहे हैं बच्चों? एक बार जरूर कमेंट करके बताइए कि यहां तक की बात समझ में आई। सभी प्यारे बच्चों से कहना चाहेंगे जरूर एक बार कमेंट करके बताएं कि यहां तक की बातें आपको क्लियर हो पा रही हैं। आगे बढ़ें। अच्छे सवाल हैं ये, थोड़े से आपको एक दो बार आपको पढ़ने पड़ेंगे इसे। आगे देखते हैं अगला सवाल।
अगला सवाल आपके नजरों के सामने ये रहा, 100 लीटर मिक्सर में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, मिक्सर में 10 लीटर मिक्सर निकाला तथा उतना ही दूध डाल दिया, दूध डालना इस बार, यह प्रक्रिया दो बार और दोहराई गई, तो अंत में दूध का परसेंट बताना है, दूध का परसेंट बताना है बच्चों, तो अंत में आपको क्या बताना है बच्चों, दूध का परसेंट बताना है। जल्दी से बच्चों इसको आंसर करेंगे, जल्दी से बच्चों इसका आंसर करेंगे, इसका दूध का क्या बताना है, परसेंट बताना है। देखिए इसके एक फार्मूले भी होते हैं, पहले हम बेसिक बताएंगे बच्चों, फिर आपको करने के एक और तरीके बताएंगे, आप बड़े गौर से देखना यहां पर। इसका एक फार्मूला होता है क्या कि दूध की शुद्ध मात्रा बराबर, हम लिख दे रहे हैं, बाकी उसका यूज कभी कभी फार्मूला भी पूछ लिया पेपर में तो क्या आना चाहिए, तो हमने कहा दूध की शुद्ध मात्रा बराबर, दूध की शुद्ध मात्रा बराबर, शुद्ध मात्रा बराबर ए ब्रैकेट में ए माइनस बी अपॉन ए की पावर एन, लिख सकते हैं बच्चों यहां पर, ए ब्रैकेट में ए माइनस बी अपॉन ए की पावर एन, तो लिख ले यहां पर, जहां पर ए कुल मात्रा, यहां पे लिख सकते, हम लिख देते हैं यहां पर, जहां पर ए क्या है, ए कुल मात्रा है, कुल मात्रा, ये दूध की शुद्ध मात्रा बराबर ये फार्मूला ये, फिर हम कह सकते हैं बी निकाली गई मात्रा, निकाली गई मात्रा, और एन जितनी बार ये प्रक्रिया की जाए, जितने टाइम ये प्रक्रिया, यानी जितने जितनी बार दोहराया जाए, यानी जितनी बार किया जाए, जितनी बार किया जाए, ठीक है ना। तो बच्चों ये केवल फार्मूला है, जितनी बारी क्या किया, किया जाए, बिल्कुल ये, तो ये कितना, जितनी बारी ये किया जाए, तो ये तो आपके सामने ये सवाल है, इस फार्मूले से अभी आप कर सकते हो अगर आपसे कभी आ जाए, और इसको डायरेक्टली भी करने का भी प्रयास करेंगे आप लोग, देखिए कैसे करना है, हटा दें इसको। देखिए पहले बेसिक में आप फार्मूले तो कर ही लोगे इसमें, ठीक है, फार्मूला वहां पे फेल हो जाता है जब 10 लीटर निकाला फिर 20 लीटर मिक्सचर डाला फिर अगली बार 30 निकालना है तो भी फ्लॉप है, ये जितना निकालना है और जितना डालना है और जितनी बार काम कर रहा है यहाँ पर तो ये सही लगता है, लेकिन आप क्यों सीखें जब ऐसे हर जगह लगे ना। तो देखिए कैसे करना होगा सवाल, हमारे पास टोटल जो मिक्सचर है वो कितने लीटर है यहाँ पर, 60 लीटर, कितने लीटर है, 60, 60 लीटर में दूध और पानी का अनुपात कितना दिया है, 2:3, तो हम कहेंगे 2 और 3 का सम कितना हो जाएगा 5, और 5 बराबर 100 लीटर मिक्सचर, सॉरी 100 लीटर, 5 बराबर 100 तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा 20, 1 बराबर 20 आ गया, तो यहाँ पर कहेंगे 2 बराबर कितना आ जाएगा 40, और 3 बराबर कितना आ जाएगा 60। अगर हम हर बार दूध डाल रहे हैं, गौर से देखना, हर बार क्या डाल रहे हैं, दूध डाल रहे हैं, तो पानी का परसेंटेज कम होगा क्योंकि दूध का परसेंटेज क्या होगा, बढ़ेगा, बताइए। अगर हम हर बार इसमें दूध डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, हर बार मिक्सचर निकाला और फिर हमने उतना ही क्या डाल दिया है, दूध डाला है, उतना ही दूध, तो पानी का परसेंटेज कम होगा और दूध का परसेंटेज क्या होगा, बढ़ेगा। बात समझ पा रहे हैं, तो बताइए पानी अगर 100 लीटर में 60 लीटर पानी है तो पानी का परसेंटेज बच्चों कितना होगा, 60, कितना होगा 60, पानी 60 लीटर है, दूध कितने लीटर है, 40 लीटर, बात समझ पा रहे हैं, तो इसको हम कर सकते हैं कि 60 लीटर पानी है और दूध कितने लीटर है यहाँ पर, 60 लीटर। अब उसने कह दिया कि 10 लीटर निकाला, टोटल कितना है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 10 लीटर निकाल रहे हैं, तो 100 में 10 निकाल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 100 माइनस 10 कितने में, 10 में, बात समझ पा रहे हैं, 100 माइनस 10 कितने में निकाल रहे हैं, 10 में, 100 में, सॉरी। फिर हम क्या करेंगे, फिर कितनी बार किया है, यह प्रक्रिया दो बार और दोहराएगी, मतलब 3 बार किया है,
तो क्या लिखेंगे, जब उतना ही फिर हमने भर दिया उसमें दूध, तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 10 कितने में, 100 में। फिर हमने कहा 100 माइनस 10 कितने में, 100 में। बात समझ पा रहे हैं? इसको अगर लिखोगे आप तो क्या लिखोगे, 60% × 90/10 लिखा है, 90/100 लिखा है, ये 90/100 बचेगा इंटू ये। जब बच्चे सीख जाएंगे तो डायरेक्टली लिख लेंगे, तो ये कितना आएगा 90/100, ये कितना आएगा 90/100। तो हम कहेंगे 1, 2, 3, 1, 2, 3 कट जाएगा ये। ऊपर हम गुणा कर सकते हैं क्या, जब हम कहेंगे एक जीरो और को हटा दो, ये 4, नीचे कितने जीरो बचे, 2। तो हमने कहा 9 × 9 × 9 729, और 729 गुणा कितना करना है, 6। ऊपर लिख दें इसको, तो यहाँ पर क्या है 6 × और ये 9 × 9 × 9 कितना हो जाएगा 729। जब इसका हम गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 54 का 4 हो जाएगा, क्योंकि अब जैसे ही 4 आया तो इसके बाद करिए ना बैठ के, ये सब गलत। तो केवल कितना आएगा, ये आ जाएगा, क्योंकि आप चाहे पूरा कर सकते हैं और नीचे किसका भाग लें, आप पूरा करके दे लें। 18 और 5 कितना आ जाएगा, 54 का कितना आ गया, 54 का 4 आ गया, और 9 × 18 18 × 5 कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। और इसके बाद 42 42 और 2 44 आ जाएगा, ठीक है। 100 में आप घटा सकते हैं इसमें, बिल्कुल 56.25 रोहित का आंसर आ रहा है, यहाँ पर सी आ रहा है 56.25 56.25 गलत कर दिया क्या काटने में हमने, रुक जाइए, हाँ ये सही है, सॉरी गुणा कर गलत कर दिया हमने, गुणा यहाँ पे क्या कर दिया हमने, गलत कर दिया है। इसको आप हल करें, इसको गुणा हमने क्या कर दिया इसमें, गलत कर दिया है। बच्चों के आंसर सही आ रहा है यहाँ पर 729 6, बिल्कुल हमने गुणा कर गलत कर दिया उसमें। तो ये जो आ जाएगा ये हमारा कितना आएगा, हाँ ये जो आएगा तो इसमें कम करना पड़ेगा, उसमें क्या करना पड़ेगा, कम, यानी उसकी मात्रा जो बढ़ जाएगी, तो ये मात्रा 60 से कितनी हुई, कम हो जाएगी ये, बिल्कुल हाँ 100 से निकालना है तो बिल्कुल बढ़ जाएगी ये। बिल्कुल प्यारे बच्चों क्या आ रहा है, बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो यानी 600 जो लिखा है बिल्कुल सही था, वहां पे 100 से घटा लें तब भी आ जाएगा वो, 6 × 729 सही लिखा था और बटे 100, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, अगर कहेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर कितना आएगा 7 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 3, 4 दशमलव, ये 100 में इतना कम कर दें, 100% में हम कितना कम कर दें, 43.74। तो हमारे पास क्या बचेगा आखिरी में, 26, और 26 केवल एक ही में है, तो आंसर कितना आएगा 56.6%, बिल्कुल, क्योंकि हम 100 से घटा के कर रहे हैं, भूल गए थे वहां पर, 100 से क्या करेंगे, घटा करेंगे। यानी पानी 60% से कितने परसेंट रह गया, 56.74। पानी 60% से इतना कम हो गया है, पानी कितना कम हुआ है 60% से, 60% से रह गया 43.74 रह गया है, 43.74 रह गया पानी, 60% से कितना रह गया, इसको डायरेक्टली लिख दो आप, कितना 43.74 रह गया पानी। तो बाकी जो बचा होगा कौन होगा, दूध, दूध कितना आएगा 56.25 या 2, 6। यहां तक की बात समझ पा रहे हैं बच्चों, ये बात क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, एक बर्तन में 54 लीटर शुद्ध दूध है, यहां पे शुद्ध लिख लें, शुद्ध दूध है, शुद्ध दूध है, हमने 1 लीटर दूध निकाला, उतना ही पानी डाल दिया, यह प्रक्रिया 2 बार की गई। अब दूध और पानी का अनुपात 95/225 है, 225 अनुपात कितना है, 125 अनुपात 91। तो x का मान बताना है, तो x का क्या बताना है, मान बताना है।
अब देखिए बच्चों कैसे करना है सवाल, एक बार देख लें। जल्दी से कमेंट करिए। देखिए समझना बच्चों इस सवाल को, देखना, देखिए बच्चों इस सवाल को एक बार समझना। देखिए अब गौर से देखना इस सवाल को कैसे करना है, एक बार देख लें आप गौर से देखना। अब एक बात और जरा बताइए, अगर हम आपसे कह दें कि मिल्क, अभी सवाल नहीं करें, सवाल कोई डाटा नहीं, मिल्क और वाटर का रेशियो अगर हम आपसे कह दें कि 4:5 है, 4:5, या हम ऐसे कह दें 4:5 है मिल्क और वाटर का, अगर मिल्क और वाटर का 4:5 है तो यहां पे हम कह सकते हैं कि टोटल और मिल्क का रेशियो कितना हो जाएगा, 9:4 हो जाएगा, क्योंकि दूध 4 और पानी कितना है 5, तो दूध 4 पानी 5, तो सम कितना हो जाएगा 9, तो टोटल 9 हो जाएगा, दूध कितना बचा उसमें 4। ये बात समझ पा रहे हैं? तो इसी बात को आप यहां पे देखना है यहां पर कि ये मिल्क है और ये क्या है बच्चों, वाटर है, ये क्या है वाटर। तो अगर हम आपसे कहने टोटल कितना हो जाएगा, तो 125 और 91 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 100 में यहाँ पर कितना है 6 और 1 11, 216 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 216। तो यहां पर हम कह सकते हैं क्या कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है, 125:91। तो टोटल और मिल्क का रेशियो कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा इन दोनों का सम 216, और दूध कितना है 125, कितना है 125। ये बात समझ पा रहे हैं बच्चों? कल हम लोग बात की थी सीआई में, इस बात को समझेंगे। कल हम लोगों ने फिर एक बात की थी क्या कि 2 से 3 अगर हो रहा है एक बार में, कितने बार में हो रहा है एक बार में, 2 से 3, तो 2 बार में कितना हो जाएगा, ये 2 बार में सीआई में 2 साल में जैसे आता है, 2 साल में कितना हो जाएगी 4:9। बात समझ पा रहे हैं बच्चों? अगर मैं आपसे इसी बात को ऐसे भी कह दें कि 16:25 हुआ है 2 बार में, कितनी बार में हुआ है बच्चों 2 बार में, एक बार में कितना हो जाएगा 4:5, कितना हो जाएगा बच्चों 4:5। अब ये आपको यही तरीका इसमें लगाना है, यही तरीका लगाना है कि, और देखिए कि यह प्रक्रिया कुल जो की जा रही कितनी बार की जा रही है, 2 बार और की गई, यानी एक बार करने के बाद 2 बार और की गई, तो कुल कितनी बार की गई है, कुल 3 बार की गई है, कितनी बार की गई है ये 3 बार कुल की गई है। तो 216 से 125 कितने बार में हो रहा है, ये 3 बार में हो रहा है, कितने बार में हो रहा है बच्चों 3 बार में। तो हमने कहा कि एक बार में बच्चों कितना हो जाएगा, एक बार में कितना हो जाएगा ये 6:5, क्योंकि किसका क्यूब है 6 का क्यूब, ये किसका क्यूब है 5 का क्यूब, 6:5। तो ये टोटल है और ये पहली बार में कितना बचा है बच्चों 5, कितना टोटल मेरा कितना है यहां पर 6, यहां पर कितना बचा है 5, कितना कम हुआ है एक, कितना कम हुआ है बच्चों एक कम हुआ है, मेरा टोटल 6 है, अब जो बचा है 5, तो कितना कम हो रहा है एक, मेरा टोटल 6, सवाल में टोटल कितना है 54, 6 बराबर 54 लीटर के, तो बच्चों एक बराबर कितना आ जाएगा 9 लीटर के। तो कितनी मात्रा आपने निकाली थी बताइए, 9 लीटर की मात्रा थी, कितनी थी 9 लीटर, यहां पर आंसर आएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 9 लीटर, एक्स का मान कितना आ जाएगा बच्चों 9 लीटर। बच्चों एक बार जरूर कमेंट करके बताएं ये बात समझ में आई, सभी प्यारे बच्चों से हम कहेंगे ये बात आपको क्लियर हो पा रही है। कोई डाउट है बताइए यहां पर,
एक बार जरूर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं अगर कोई डाउट लग रहा हो आपको। क्या ये बात क्लियर हो पा रही है? आगे बढ़ें। अगला सवाल देखते हैं। तो ऐसे सवाल आपको सीखने हैं बच्चों, ऐसे सीखने हैं ये सवाल। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, चौवन लीटर धारिता वाले अम्ल से भरा बर्तन में कुछ निकालकर उससे उतना ही पानी मिला दिया गया। यह प्रक्रिया पुनः दोहराई जाती है, परिणाम स्वरूप बर्तन में शुद्ध अम्ल की मात्रा 54 लीटर है। प्रारंभ में अम्ल की मात्रा बताएं। प्रारंभ में क्या बताना है बच्चों? अम्ल की मात्रा बतानी है, अम्ल की मात्रा। अम्ल की मात्रा बतानी है। तो देखिए दो बार काम किया गया बच्चों, दो बार काम किया है, गौर से देखना। अगर हम आपसे बात कर ली जाए कि टोटल मेरे पास आरव कितना दिया है, 54 लीटर धारिता वाले अम्ल से भरा है, देख लें। तो बच्चों यहां पर हम बात कर लें कि टोटल दिया है कितना दिया है बच्चों, टोटल जो दिया है वो कितना दिया है, 54। और इसके बाद बचा कितना हमारे पास, जो बचा है जो अम्ल जो बचा हुआ है, जो क्या बचा हुआ है, अम्ल शुद्ध की जो अम्ल लीटर जो बची हुई है यहाँ पर मात्रा, तो बची हुई जो मात्रा जो है वो कितनी दी गई है, 24। क्या ये दोनों किसी से कट जाएंगे? दोनों किसी से कट सकते हैं, तो 6 से काट दें बच्चों, ये कितना आ जाएगा, 9, और ये कितना आ जाएगा, 4। तो दो बार में देख लें कि एक बार और किया है, पुनः दोहराई जाती है, मतलब दो बार किया जाता है। तो ये 9 से 4 दो बार में हो रहा है, तो एक बार में बच्चों क्या हुआ होगा, एक बार में 3 से 2 क्या हुआ होगा बच्चों, 3 से 2 हुआ होगा। बात समझ पा रहे हैं, 3 से 2। तो बच्चों हम कहें 3 बराबर कितने लीटर है, ये 54 लीटर। कितने लीटर है ये, 54 लीटर है, 3 बराबर 54 लीटर। तो यहाँ पर 3 से 2 कितना कम हुआ है, 1। तो प्रारंभ में निकाली गई अम्ल की मात्रा, तो 1 बराबर कितने लीटर आ जाएगा, 18 लीटर। तो कितना आपने अम्ल निकाला है, 18 लीटर अम्ल निकाला। ये LT लिखा है, ये LT मतलब लीटर, 181 ना पढ़ना बच्चों। ये मानसी पांडे गुड़िया, बिल्कुल आपके आंसर सही है। पर क्या ऐसे सवाल हम समझ पा रहे हैं बच्चों? क्या बच्चों ऐसे सवाल हम समझ पा रहे हैं बच्चों? एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। अगला सवाल देख लेते हैं जल्दी से। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, शराब से भरे एक प्याले में से 5 लीटर शराब निकाली जाती है और उसी पानी से बदल दिया जाता है। इस मिक्सचर में से 5 लीटर मिक्सचर पानी से बदल दिया गया। यदि पीपे में शराब और पानी का अनुपात कितना हो गया है, यानी कह सकते हैं शराब और रम और वाटर, क्या लिखते हैं यहाँ पर, रम और वाटर। तो यहाँ पर हम बच्चों कह सकते हैं कि रम और वाटर का क्या रेशियो है, 9:16:9। तो टोटल और रम की बात कर लें तो टोटल 25 और रम कितना हो जाएगा, 16। तो ये काम कुल कितनी बार किया जा रहा है, 2 बार किया जा रहा है। कितनी बार किया जा रहा है, 2 बार। तो क्या ये 5 का स्क्वायर लिखा है, ये किसका स्क्वायर लिखा है, 4 का स्क्वायर। तो एक बार में पहली बार में क्या रहा होगा, ये 5 से 4 क्या रहा होगा बच्चों, ये 5 से 4 रहा होगा। कितना कम किया गया, 1, और 1 की मात्रा कितनी दी गई बच्चों, 5 लीटर। कितनी दी गई है, 5, 1 बराबर 5 लीटर है, 1 बराबर कितना है, 5। तो शुरुआत में कितना मिक्सचर रहा होगा, 25 लीटर। कितना रहा होगा बच्चों, 25 लीटर इसका आंसर आएगा बच्चों, 25 लीटर।
क्योंकि दो बार किया जा रहा है ये, जरूर एक बार कमेंट करके बताएं 25 आएगा इसका आंसर। क्या बच्चों ये बात समझ में आई आप लोगों को? इतनी किसी प्रकार की कोई डाउट, कोई समस्या जरूर आप कमेंट करके बताइए। अगर कोई समस्या लग रही हो आपको जरूर कमेंट करके बताइए बच्चों। कोई डाउट है? इसी टाइप के क्वेश्चन रह गए हैं बच्चों, तो कल हम इस पे पूरा पहले विस्तार से आपको बेसिक बताएंगे और कल इस मिक्सचर की आखिरी क्लास होगी। और बच्चों से हम कहना चाहेंगे जरूर आप इसको पहले कल देखें और कल मिक्सचर का पूरा आखिरी क्लास कराएंगे, फिर इसकी एक मैराथन क्लास किसी दिन करा देंगे बच्चों, पूरे नए सवाल मैराथन। कोई अगर डाउट लग रहा हो किसी को तो आप पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या तो पूछ सकते हैं आप। और बच्चों मंडे को सुबह 6 बजे फिजिक्स पढ़ाने आएंगे 6 बजे, तो सभी बच्चों से कहना चाहेंगे सुबह 6 बजे फिजिक्स पढ़ने आइए। मॉर्निंग में जैसे ही आप आँख खोलें, रेलवे के लिए बहुत साइंस बहुत इम्पॉर्टेंट है और पूरा साइंस पढ़ाया जाएगा बच्चों, एक एक चीज़ बताई जाएगी, पहले पूरी थ्योरी पढ़ाई जाएगी फिर क्वेश्चन कराए जाएंगे और ये पूरे जीएस में पूरा रहेगा आपका पूरा। बस बच्चों से हम यही कहना चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जोड़ें, लोगों को जोड़िए, ये देखते हैं कि बच्चे कम जोड़ते हैं, मतलब ये थोड़ा सा खलता है कि या हम लोग अच्छा दे नहीं पा रहे हैं या कुछ ऐसे और भी कमी है हम लोगों में, इस वजह से कुछ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जोड़ें, लोगों को बताएं और लाइव पढ़ने जरूर आया करें। मतलब इससे क्या होता है कि अच्छा लगता है पढ़ाने में कि ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। सभी प्यारे विद्यार्थियों को गुड नाइट, शुभ रात्रि और कल संडे है, कल क्लास रहेगी बच्चों, फिर आपसे कह दें हम कल संडे है, कल क्लास रहेगी, कल छुट्टी नहीं रहेगी, कल रात्रि में क्लास रहेगी आपकी और 9 से 10:30 क्लास रहेगी। कल ये मिक्सचर ख़त्म करना है। अगर बच्चों अगर कोई डाउट आपको लग रहा हो तो मिक्सचर की मैराथन क्लास लगा देंगे, बस आप लोग कमेंट करके बताइए। तो मैराथन की क्लास लगभग 100 सवाल मिक्सचर के, जो 7-8 घंटे में जो भी हो जाए, 5-6 घंटे में तो पूरी क्लास करा दी जाएगी, ठीक है। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको मैराथन पढ़नी है तो, सभी लोग लाइव रहना पड़ेगा, बस ये शर्त रहनी पड़ेगी बच्चों, पढ़ना पड़ेगा आपको। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, सभी प्यारे बच्चों गुड नाइट, शुभ रात्रि, कल संडे है, कल संडे मनाइए, शाम को क्लास स्टार्ट करते हैं मैथ की कल।